तो हम लोग आ चुके हैं एक नए सेशन में। तो देखिए, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए जो आने वाला है। 16 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाएंगे। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा। जो आप इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी मैथ बनाने आएगा तो आप बना देंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम उसको रिवाइज करा रहे हैं एक तरह से आपको, मैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो देख लीजिए, हाँ, वो क्लियर करके सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर में हम सबसे पहले बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ 100 क्वेश्चन है आपको, हम 100% 100 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग देख ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बह रहा है पी बाई क्यू, जहाँ पी की पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर बार इसको सॉल्व भी किया जाता है, लॉन्ग प्रोसेस है, वो 2 नंबर में आता है तो आपको बनाना पड़ता है। लेकिन हम आपको उससे बताएंगे जहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देख लीजिए, यहाँ पर 0.1 है ना, 0.1 उस पर बाढ़ है। जब भी बाढ़ है तो देखिए कितने पॉइंट के बाद बाढ़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ 0.,  देखिए 2 अंक के बाद दिया हुआ है ना, 2 अंक के बाद। तो क्या कीजिए, इक्वल लिख सकते हैं 41/100 लिख दीजिए। देखिए, है ना, 100 लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है 41 तो देखना है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, बी होगा। देखिए कैसे, देखिए नहीं बी नहीं सी होगा, क्योंकि सी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि जब भी रहेगा आपको खाली चेक करना है 2 अंक के बाद, और 2 अंक के बाद नीचे 99 होगा, ठीक है। 1 अंक के बाद रहता तो 1 अंक के बाद नीचे 9 रहता है, 2 अंक के बाद 9। 100 में एक माइनस कम कर दीजिए, जितना है उसमें एक माइनस कम कर दीजिए नीचे वाले में, ठीक ना। जैसे रहता आप मान लीजिए 0. ऐसे रहता 0.33 रहता, ऊपर बार दिया रहता, तो इसका आप 33/99 लिखते हैं। फिर इसको काटते भी आप, ठीक ना, या ऐसे ही कट रहा तो काटते 3/9 ऐसे ऐसे 3/9 और काटता 3/3 में ऐसे आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, 9 का रूट हो जाएगा 3, ये तो टूट जाएगा, रूट हट जाएगा, जिस पर से रूट नहीं हट पाएगा। देखिए 8 वाला में इसमें रूट नहीं हटेगा, ध्यान दीजिएगा रूट नहीं हटेगा। आप इसको करके देख सकते हैं, 8 को तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, ये तो बाहर निकल गया, रूट में 2 फंस गया, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में हम कह रहे हैं बहुपद 6x-21 का शून्यक है, कौन इसका शून्यक हो सकता है। देखिए शून्यक वो होगा, देखिए हम बता देते हैं 6x-21=0, शून्यक होना चाहिए, शून्यक होने पर 0 आ जाना चाहिए। देखिए शून्यक कौन है, शून्यक के लिए हो क्या, इसी को सॉल्व कर लिए शून्यक पता चल जाएगा। देखिए 6x-21, तो इसको इधर ले जाएंगे 6x, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। फिर x को इधर रखेंगे, और फिर देखिए 21/, वो जगह नहीं बन रहा मेरे, ठीक है 21/ से अब इसको काटेंगे आप। देखिए ये किससे कटेगा, तो 3 के टेबल से कटेगा, 3×7=21, और 3×2=6, है ना। तो देखिए आगे कितना आया आंसर, आंसर आया 7/2। तो 7/2 आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बहुपद x²-10x+25 का घात। देखिए घात पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात में 2 पावर 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण अभी मैंने ऊपर बताया कि जिसका पावर 2, यहाँ आपको अच्छे से देख के बनाना है। देखिए यहाँ रूट में आ गया, तो ये तो नहीं होगा, रूट में नहीं आता भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ तो ये वाला नहीं हो सकता, इस पर त्रिघात है मुमकिन ही नहीं है, इस पर त्रिघात है मुमकिन ही नहीं है, तो कौन हो सकता है, यहाँ पर बचा है यही वाला, है ना। तो ये द्विघात होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए कैसे बनता है। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m पावर 3 n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मासा क्या होगा। देखिए मासा बोल रहा है ना, मासा बोला है लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, एस सी एफ प्राइम नंबर इज देन एस सी एफ ऑफ एम एन इज, और एस सी एफ बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें मासा जो है कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए इसमें आपको देख लेना है पावर, पावर मैंने इसमें सबसे निम पा ने न्यूनतम पावर देखना है। देखिए एम का न्यूनतम पावर 2 है और एन का, देखिए एन का न्यूनतम पावर 2 ही होगा। तो देखिए यहाँ बन गया M2N2, तो M2N2 बन गया। आप देखिए ऑप्शन में मिला ही, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, M2N2 ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक और ए और 18 का लासा 36 है तथा ए और 18 का मासा 2 है तो ए क्या होगा। मतलब मासा ला हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, ए इंटू बी इक्वल टू एल सी एम इंटू ना एल सी एम इंटू एस सी एफ होता है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं एल सी एम इंटू एस सी, यहाँ पर जगह नहीं बन रहा ठीक है ना। तो देखिए एल सी एम इंटू एल सी एम होता है तो देख लीजिए यहाँ पर एल सी एम होता है, तो देखिए यहाँ पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि 18 ए और 18 का लासा, मतलब एक संख्या बी है, बी दे दिया है तो आप ए इंटू बी को जब 18 लिख सकते हैं इक्वल टू लासा दिया, लासा को 36 लिख सकते हैं, 36 इंटू मासा दिया हुआ ए और 18, मतलब कि ए और बी का मासा दिया हुआ 2। तो आप इसको इधर रखेंगे और इधर लाएंगे 36 इंटू 2 भाई 18 करेंगे, देखिए 18 दूनी 36 कट गया, आया 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए एक आ गया आंसर 4, तो आंसर 4 आप देख सकते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं 2+√3 तथा 2- का गुणाफल। देखिए गुणाफल करना है, ये ध्यान दीजिए कि किस पर बैठ रहा है, ये बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है ना। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर बैठ रहा है, जिसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का तो रूट हट जाएगा 3, इसको करेंगे इक्वल, 4 में से 3 गया 1, तो एक आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक देखिए यहाँ ऐसे नहीं दिया, यहाँ अलग तरीके से दिया। तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक जो है परिमेय संख्या है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा है ना, अपरिमेय संख्या तो नहीं है तो ए इज ए हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक क्या होंगे। देखिए शून्यक निकालना है तो यहाँ पुट करके देखना पड़ेगा कि शून्यक क्या होंगे, नहीं द्विघात बहुपद है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है ना। तो इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग, सॉल्व करके देखिए ज़रा, तो इसको हम लोग शून्य का सॉल्व करना होगा तो तोड़ के आपको देखना है। देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एच स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 है ना, ऐसा तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग, कॉमन लेने पर क्या होगा, एक्स बाहर निकल जाएगा, एक एक्स रहेगा माइनस 5, इनर कॉमन लेंगे 4 इनर एक्स माइनस 5 है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स और यहाँ कॉमन, ये दोनों कॉमन है तो एक्स माइनस 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ एक्स प्लस 4 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना। देखिए यहाँ एक्स माइनस आया था एक्स माइनस 5 और ना एक्स माइनस 4 प्लस 4 आया
अब इसको देख लीजिए, इसको एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो एक बार प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस फाइव, एक बार माइनस फोर, प्लस फाइव माइनस फोर, देख लीजिए प्लस फाइव माइनस फोर कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको इक्वल टू जीरो के लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा जब इक्वल टू जीरो करेंगे। तो हमें आपको बता, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव और एक्स इक्वल टू माइनस फोर हो तो एक शून्य निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हम लोग अल्फा प्लस यदि शून्यकों का योगफल निकालना है, देखिए शून्यकों का योगफल होता है, आप लोग जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए होता है बी बाई ए, तो इसमें बी देखिए और ए देखिए सीधा निकल जाएगा, बी इसमें देखिए, ये इसमें बी है प्लस फाइव तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस बी था, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं आपके सामने, बी इक्वल टू ए होता है, और यहाँ देखिए माइनस बी क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ फार्मूला का, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइव दिया था माइनस, ठीक ना, माइनस फाइव, और नीचे देखिए ए बोला तो ए क्या है, टू है साइन के साथ, तो माइनस फाइव बाई टू, देख लीजिए ऑप्शन में माइनस फाइव बाई टू कहाँ है, माइनस फाइव बाई टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप बना सकते हैं, देखिए ये सब आपको कैलकुलेशन जल्दी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह। क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है, यदि अल्फा प्लस अल्फा बीटा बहुपद इतना है तो शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा, देख ये इंपॉर्टेंट है, ग्यारह वाला क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है। हाँ देखिए आपको अच्छे समझना होगा ये क्वेश्चन को, देखिए इसमें पूछ रहा है कि अल्फ़ा बाई वन बाई अल्फ़ा पूछ रहा है ना, वन बाई अल्फ़ा पूछ रहा है, वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा पूछ रहा है ना, वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा पूछ रहा है, तो क्या होगा, देखिए ये कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग यहाँ वन बाई अल्फ़ा होता है माइनस बी बाई सी, ठीक है, और ना प्लस है और ना बी बाई सी, मतलब कि इसके पूरे का अभी क्वेश्चन याद रख सकते हैं, माइनस बी बाई सी होता है इसका भी, है ना, तो देखिए वन बी बाई सी होता है, तो बी बाई सी कहाँ है, बी बाई सी, तो इसमें उसमें आपको देखना पड़ेगा, बोला ना माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई सी होता है, तो इसमें बी बाई सी दिखा लीजिए, देखिए माइनस बी कौन है, माइनस फोर आ रहा है, और माइनस फोर आ नीचे सी, सी तो वन है, तो वन, तो इधर वन है, अप्रॉक्स को हम लिख सकते हैं माइनस फोर, तो माइनस फोर आपका सही आंसर हो जाएगा, माइनस फोर कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन के इक्वल टू जीरो के मूलों का योग और गुणाफल समान हो तो के का मान निकालिए। देखिए दोनों बोल रहा है कि शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बराबर, यानी बी अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए होता है इक्वल टू ए अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो यानी ए यहाँ से कट गया, बचा किसके बराबर, माइनस बी इक्वल टू सी के बराबर हो गया, है ना, माइनस बी बाई सी के बराबर हो गया, माइनस बी इक्वल टू सी के बराबर हो गया। अब देखिए माइनस बी इस इक्वेशन में निकाल लेना है, तो आप लोग कैसे एक क्वेश्चन से निकालेंगे, माइनस बी कौन है, माइनस फार्मूला का बी देख लीजिए, क्वेश्चन में सिक्स है तो सिक्स हो जाएगा इक्वल टू सी, सी देखिए आप सी में नाइन के दिया हुआ, नाइन के हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो के इक्वल टू हो जाएगा, हम तो सिक्स है उन्हें हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो माइनस सिक्स बाई नाइन आ जाएगा, यानी इक्वल टू वो काट कूट करेंगे तो देखिए तीन से मर जाएगा, तीन दूनी छः और यहाँ तीन तिया नौ, तो के का वैल्यू आ जाता है माइनस टू बाई थ्री, तो यहाँ देख लीजिए के का वैल्यू माइनस टू बाई थ्री कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन में। क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है तेरा, देखिए यदि एक्स इक्वल टू वन दोनों समीकरणों इतना और इतना है के मूलों का ए भी निकालिए, देखिए एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए आपको तुरंत निकल जाएगा आंसर, ठीक ना, आंसर ऐसे ही निकल जाएगा, मूल ए भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए सीधा, देखिए पुट करते हैं हम एक्स का जब वन करते हैं, वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा,
देखिए प्लस वन हो जाएगा प्लस ए, ठीक है ए निकालना ही है, इक्वल टू ज़ीरो। देखिए इसको निकाला तो हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये जुड़ गया, टू प्लस ए ज़ीरो, यानी ए इक्वल टू आया माइनस टू। देखिए याद रखिएगा माइनस टू आया ए का वैल्यू, ठीक है ना, ए का वैल्यू माइनस टू आ गया है ना, ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया माइनस टू, इसको याद रखते हैं। चलिए अब बी का निकालते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पर रखेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन यहाँ पर था दिख नहीं रहा था, काटना ही पड़ेगा। देखिए बी याद रखिएगा माइनस टू आया है ना, ए का वैल्यू माइनस टू आया है ना, ए का वैल्यू माइनस टू आया। अब देखिए बी निकालेंगे, बी यहाँ पर से निकालेंगे, बी निकालेंगे इसमें क्वेश्चन में बी है, तो देखिए बी है ना, तो एक्स वन रखेंगे, वन का वैल्यू रखेंगे, वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन रखा प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो है ना, ज़ीरो रखा। देखिए ये हुआ बी का स्क्वायर, नहीं ये हट जाएगा, देखिए फिर से गड़बड़ा गया थोड़ा सा। देखिए वहाँ पर पुट करना आपको वन, तो देखिए वन पुट करेंगे तो बी आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, तो बी प्लस देखिए बी एक्स, तो वहाँ पर भी वन करेंगे बी आ जाएगा, अब प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए बी बी हो गया, बी बी टू बी हो गया, टू बी प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए उधर गया जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा है ना, माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू आया था, ए का वैल्यू आया था क्या आया था आप लोगों को मालूम होगा, माइनस टू आया था, माइनस टू आया था, यहाँ बोल रहा है ए इंटू बी करने के लिए, तो ए इंटू बी कर रहे हैं हम लोग, माइनस टू इंटू बी का वैल्यू क्या आया था बता सकते हैं, थ्री बाई इतना आया, कितना आया था, थ्री आया था, थ्री बाई टू आया था, माइनस थ्री बाई टू आया था। तो देखिए माइनस से माइनस भी कट गया, टू से टू भी कट गया, बचा थ्री, तो और हम लोग का आंसर हो जाएगा राइट बी, बी थ्री हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 कहता है कि यदि यदि टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स माइनस वाई, टू थ्री बाई टू है, तो वाई का मान, वाई का मान निकालना है आपको। तो देखिए सब पावर सेम है, बेस सेम रहता है टू टू टू, तो आप सीधा ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बनाइए एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई थ्री बाई टू। देखिए बराबर है सब, सब बराबर है एक दूसरे के, तो देखिए बराबर है तो इसको काट कूट कर सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये तो इससे कट ही जाएगा। देखिए वाई इधर आएगा जुड़ जाएगा, टू वाई हो जाएगा, टू वाई इक्वल टू थ्री बाई टू। अब वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए दो इधर आएगा गुना हो जाएगा तो आ जाएगा थ्री बाई फोर है ना, दो ऊपर गुने में तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा वाई इक्वल टू थ्री बाई फोर। तो आंसर मिला ये थ्री बाई फोर किस में है, देखिए यहाँ थ्री बाई फोर तो नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, थ्री बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 में। 15 में देखिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते नहीं हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा को यहीं पर रह देते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिखते हैं वन बाई साइन थीटा, कॉस है ना साइन का उल्टा होता है आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन, यानी कॉस बाई साइन आ गया, और कॉस और नीचे साइन किसका होता है, तो कॉट का होता है, याद रखिए कॉट का होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है, यही साइन बाई कॉस होता है टैन का होता है, लेकिन ये उल्टा है, कॉस बाई साइन है तो कॉट हो जाएगा। देखिए कॉट कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इस कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 बोला यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के संयोजक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी। देखिए इसको आप लोग याद रखना है कि व्युत्क्रम हो तो इसका हमेशा व्युत्क्रम में हमेशा माइनस वन ही आता है, ऐसा आप निकाल रहे हैं, एक शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो व्युत्क्रम हो तो कैसे निकलेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो व्युत्क्रम के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन होता है, याद रखिएगा इसका होता है सी इक्वल टू ए है ना, सी इक्वल टू ए इक्वल टू वन। अब देखिए अब सी इक्वल टू ए इक्वल टू वन, और सी दिए हुआ इसमें क्या, सी दिए हुआ इक्वल टू माइनस बी, और ए दिए हुआ इसका वन है ना, आइना भी वन हो गया, वन बटे
वन, तो देखिए बी माइनस बी का वैल्यू आ गया वन, यानी माइनस बी का आया वन। अब बी माइनस के साथ आएगा तो बी इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो बी इक्वल टू माइनस वन अब देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान, तो इसके लिए मूल का मान याद रखिएगा, प्रत्येक मूल का मान बराबर होता है, प्रत्येक मूल का मान हमेशा याद रखिएगा माइनस बी बाई टू ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू का मूल इतना के निम्नलिखित कौन होगा। देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला पर वही वाले फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर जा रहा है, तो एक्स का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस टू का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू फाइव कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा इक्वल टू फाइव। अब देखिए एक्स उधर एक्स स्क्वायर इधर रह दिया उधर भेजा तो प्लस नाइन हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए एक्स का हम लोग इनर किया तो ये रूट चला जाएगा रूट नाइन। हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू रूट नाइन क्या होता है थ्री वैल्यू, तो एक्स का आ गया थ्री प्लस माइनस एक बार थ्री आ गया है ना, प्लस माइनस दो बार आएगा, एक बार शून्यक ना निकाल रहे हैं तो एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक छः, शून्यक बोल रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक छः और माइनस दो हो तो बी सी का मान क्रमशः, देखिए बी सी का मान बोल रहा है शून्यक दे दिया है और बी सी का मान पूछ रहा है, नहीं बी सी का दे दिया द्विघात बहुपद पूछ रहा क्रमशः हो सकता है, तो देखिए एक शून्यक दे दिया है। अब ये अब जो जाते हैं एक बहुपद निकालना है तो बहुपद का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे जरूर अपने क्लासों में, तो एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना इंटू एक्स होता है, यहाँ पर थोड़ा एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो देखिए है ना, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स का तो वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर रख दीजिए माइनस अल्फा शून्य दिया हुआ इतना और इतना, तो एक तो अल्फा प्लस बीटा होगा तो इसको छः यहाँ पर लीजिए सिक्स एक्स है ना, सिक्स एक्स और है ना इसमें देखिए इसमें हो जाएगा माइनस टू तो है ना प्लस माइनस टू रख दीजिए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये एक बहुपद आपको मिल गया। अब इसमें देखिए वो पूछ रहा था सवाल में बी और सी निकालने, इसमें बी कौन होगा, बी हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा और पूछ रहा सी क्या होगा, तो देखिए सी हो जाएगा सी इसमें क्या है माइनस टू है, तो माइनस सिक्स और माइनस टू हो जाएगा आंसर, माइनस सिक्स और माइनस टू इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल का गलत बन गया क्या, नहीं नहीं सही तो बना है। लगता है आंसर थोड़ा मिस्टेक किया गया, फोर में आना चाहिए था माइनस सिक्स भाई, देखिए शून्य सिक्स किया है एक्स गुना किया तो सही है। ठीक है आंसर हो जाएगा इसका माइनस फोर माइनस ट्वेल्व हो जाएगा सही आंसर। रुक जाइए इसको मैं चेक करना चाहूँगा थोड़ा, हाँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ अल्फा शून्यक सिक्स और माइनस, वैल्यू दिया हुआ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है सिक्स और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस टू, उसको हम पुट करेंगे उस समीकरण पर जो मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ना एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, बीटा इक्वल टू ज़ीरो होता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को शूट करेंगे तो ये अल्फ़ा दिया हुआ छः और बीटा दिया हुआ माइनस टू, तो हो जाएगा छः और माइनस टू लिखेंगे तो यहाँ पर चार हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा प्लस
फोर एक्स आ जाएगा प्लस, देखिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा 6 है, बीटा माइनस 2 है, दोनों गुना कर दिए 12 आएगा, माइनस 12 आएगा, तो देखिए है ना इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर आप पूछ रहा है बी और सी, तो बी क्या होगा आपके लिए, बी हो जाएगा माइनस 4 और एक्स को छोड़ देते हैं और फिर सी को बोलते हैं माइनस 12। तो देखिए आंसर आता है माइनस 4 और माइनस 12, तो देख लीजिए मिला लीजिए माइनस 4 माइनस 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जा रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद हमेशा सिंपल तरीके से रहता है, ये तो हो नहीं सकता, ये 1/z² है, ये तो नहीं बनेगा, बटे में कभी रैखिक नहीं बनेगा, रैखिक हमें क्या रैखिक समीकरण रहेगा, देखिए बटे में रहेगा तो वो कर्व हो जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस ऐसे आप मिला सकते हैं, बहुत इजी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, एक द्विघात बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या आप बता सकते हैं क्या, तीन ही होगी, द्विघात बहुपद का बात करें तीन ही होगी उसकी शून्यकों की अधिकतम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बहुपद m क्यूब माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है। तो देखिए यहाँ त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बोला ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू देखिए त्रिघात तीन ले रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मैं ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है गामा मैं ले रहा हूँ। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि इसका भी होता है माइनस बी बाई ए ही होता है ना, बराबर होता है उसके। तो देखिए इसमें याद रखने का तो आपको अच्छा तरीका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योग दो शून्यकों के लिए भी माइनस बी बाई और तीन भी हो तो यही होता है। चलिए अब देखिए माइनस बी बाई ए, इसमें माइनस बी कौन है देखिए ज़रा, माइनस बी तो माइनस बी यहाँ पर देखिए माइनस, तो फॉर्मूला इसमें भी माइनस लगा हुआ, माइनस 3 ए, ए कितना है 1 है, तो हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आ जाएगा आंसर, देखिए प्लस 3 कहाँ है, प्लस 3 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है समीकरण bx² + bx + c = विवेचक, देखिए विवेचक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं उसको डी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं बी, उसको लिखते हैं b² - 4ac। तो देखिए b इसमें लिखना होगा, तो b का देख लीजिए b का स्क्वायर करना है, तो b तो इसमें b है, b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 ए, देखिए ए भी b दिया हुआ है और c देखिए c c है, तो ये बन गया इक्वेशन b² - 4bc, 4ac की जगह 4bc दिया हुआ है, देखिए 4bc कहाँ है, b² - 4bc, तो ऑप्शन नंबर c करेक्ट हो जाएगा 23 का, ठीक है ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि x - y = 2 तथा x + y = 10 हो, तो देखिए ये इक्वेशन बना सकते हैं लॉन्ग प्रोसेस से भी, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे उससे आप अच्छे से बनाएंगे। देखिए x - y = 2 बोल रहे हैं, x क्या होना चाहिए, y घटाने पर 2 आ जाए, तो आई देखिए अधिकतम इसमें देख लीजिए 10 है, 10 है, 10 मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर x 4 दिया हुआ, यहाँ पर y 2 दिया हुआ, अगर 4xy को घटाएंगे 4 में से 2 गया 2, लेकिन 4 2 10 तो होगा नहीं, ऐसे आप ठीक ठीक लगा सकते हैं। इसमें देखिए 5 में से 3 गया तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 5 3 10 हो सकता है यहाँ पर जोड़ने पर, ये वाला क्वेश्चन सबको बैठा के क्वेश्चन पर देख लीजिए। देखिए यहाँ सी वाला में 6 और 4 है, तो 6 एक्स पर रखा, 4 को वाई पर रखा, 6 में से 4 गया 2 और दूसरे इक्वेशन पर रखा x + y वाले पर, तो 6 4 रहा, देखिए ये परफेक्ट बैठ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए वहाँ पर आप इक्वेशन नहीं बनाएंगे वो वाला कि एक को मैंने 1 माना, इसको 2 माना, फिर इस क्वेश्चन लिया, विलोपन विधि से हल किया, तो विलोपन विधि से भी आ जाएगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, वो तो सब्जेक्टिव के लिए सही है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान होगा। देखिए ये वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ap का सवाल है ठीक ना,
देखिए एपी आपके लिए दिया हुआ है 5 ABT। देखिए एक एपी दिया हुआ आपका 5 है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, सी ए बी 11 है, ऐसे दिया हुआ 4 AP दिया हुआ। इसको A1 A2 A3 A4 मान लीजिए, ठीक है, श्रेणी में है, तो ए प्लस बी निकालना। तो देखिए इसको A1 बोला, इसको A2 बोला, A1 A2 A3, इसको A4 बोल देते हैं, है ना, A4 बोल देते हैं। अब बोल रहा है ए प्लस बी का मान होगा, तो ए प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले निकालना होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का मतलब इसको जोड़ने वो बोल रहा है ना, इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू तो है नहीं, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। ये दूसरा पद है A2, तो A2 निकालेंगे। A2 क्या हो सकता है, देखिए सार्वंतर इसके लिए निकालना पड़ेगा, सार्वंतर A4 से निकाल लेते हैं। देखिए A4 अंतिम में A4 होता है A3, है ना, A3 होगा प्लस डी हो जाएगा, A3 प्लस, है ना, नहीं ए आप जो चाहे रख सकते हैं, जैसे A4 हम निकाल 11 वाला A4 है। देखिए A4 इक्वल टू A+3D हो जाएगा, सारा अंतर हमेशा जुड़ता है, ठीक है। देखिए ए मेरा 5 है, 5 × 3D, है ना, 3D। देखिए ए तो दिए भाई 11, तो यहाँ से डी निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 में से ए उधर जाएगा तो उधर जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 6 में से 3 3, तो आ जाएगा 3, मतलब सावंतर 3 आ रहा है, नहीं 6 में से 3, 11 में से 5 उधर जाएगा, तो 11 में से 5 किया 6, है ना, 6 और 3 × 2 में है, तो 6 को काटेगा तो 2 नहीं आएगा, तो देखिए 2 आंसर आ जाएगा, सार्वंतर 2 आएगा, समझ रहे हैं। तो सार्वंतर 2 आ चुका है, 2 आ गया। तब हम लोग को आपको निकालना है ए पी। देखिए ए प्लस बी, तो आप एक ए पी बना देंगे, 5 × 7 हो जाएगा, 7 × 9 हो जाएगा, 9 × 11 ऐसे पहुँचे, मतलब ए का मान यहाँ निकल गया, ए यहाँ 7 है, अब बी यहाँ 9 है, तो ए प्लस बी बोल रहा था, आप निकाल लीजिए ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 9 हो जाएगा 16। देखिए ए प्लस बी का मान निकल गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग देखेंगे, समांतर श्रेणी ए पी डॉट ए माइनस पी बाई पी। देखिए तो बड़ा दिया सवाल, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कैसे किया जाएंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जगह नहीं बनता मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा नया हूँ इसीलिए आदत नहीं है मुझे। तो देखिए यहाँ पर बोला सावंतर निकालें, डी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दूसरे में से पहले वाले को घटाया जाए। दूसरा वाला 1P/P है, अब पहला वाला 1/P है, ऐसा है ना। तो देखिए इसको घटा दीजिए, देखिए पहले एलसीएम लेंगे आप, पी एलसीएम लेंगे, तो देखिए पी एलसीएम लिया तो यहाँ पी, तो वही उतर जाएगा 1 - P - 1। देखिए यहाँ 1 1 कट जाएगा, ये प्लस में ये कट गया, है ना, तो पी बचा क्या, -P/P, तो PP भी कट गया, -1, आंसर क्या आएगा, -1, याद रखिए -1 क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, AP 10 7 4 का 30वां पद है। देखिए आपको फॉर्मूला मालूम होगा, 30वां पद बोल रहा है, यानी n निकालने आपको बोल रहा है, 30वां पद मतलब कि 30वां पद मतलब n दे दिया इसमें आपको, a तो मालूम है, बी A1 A2 दिए ही हुआ, ये 30वां पद यानी n दिए हुआ, यानी संख्या दिए हुआ 30वां पद, मतलब जो तीसरी बार में होगा वो 30वां पद क्या है वो पूछा है, मतलब वहाँ पर कौन सा AP होगा। तो देखिए वहाँ पर तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, A3 30 का हम निकलवा रहे हैं, nवां पद निकलवा रहे हैं, तो देखिए A इक्वल टू क्या हुआ, A+29D हो जाएगा, है ना, 29 उसके बाद ही वाला, तो 29 से कर देंगे। तो देखिए A31 निकाल रहे हैं, तो हम ए तो मालूम ही, यहाँ पर AP में 10 दिया, तो 10 लिख दीजिए, और (+19) और D निकाल सकते नहीं है। देखिए 10 माइनस में से निकालिए, देखिए 7 में से दूसरे में से पहला घटाइए, 7 में से 10 गया तो -3 आएगा, तो -3 बैठा दीजिए ना, -3 बैठा दीजिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा झटपट। देखिए 10 ये 29 को गुना करेंगे, तो 29 को गुना करेंगे तो आएगा -87,
माइनस 87 आएगा। अब माइनस 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 77 आएगा। तो देखिए आंसर में माइनस 77 कहाँ है, माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383। अब देखिए कौन सा पद 383 है, 383 कौन से पद में है? इस बार एन निकालना है, एन दिया नहीं है, एन निकालना है। ये टोटल पद दे दिया, इसको हम टोटल मान के चलेंगे। ठीक है, ये आखिरी मेरे लिए होगा तो इसको हम ठीक है जब लिख देंगे, है ना। हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू, है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, यही ना फार्मूला। देखिए ए यहाँ पर एन निकालना है तो हम यहाँ पर रखेंगे फार्मूला पर, पहले रखेंगे 383 दिया हुआ है, है ना, 383 दिया हुआ है, 383 इक्वल टू ए दिया हुआ 5 प्लस एन माइनस वन इक्वल टू, नहीं यहाँ पर डी ने दिया हुआ था, डी कितना है, डी देखिए डी दिया हुआ है 8 में से 5 या 3, 11 से 8 या 3 है तो 3 है, तो यहाँ पर इंटू में 3 हो जाएगा, है ना। चलिए निकालिए आप, देखिए यहाँ 5 उधर जाएगा घटेगा, तो 3 में से 5 ये उधर जाएगा घटेगा, तो हो जाएगा 378 हो जाएगा, और प्लस इक्वल टू, है ना, एन माइनस वन इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 उसमें से। अब देखिए इन टू में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड करेंगे, 378 को 3 से n माइनस 1, देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचा मेरे पास, मैं बता दूँ 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दुनी 6 और एक रह गया 3, नम 3 छके 18, 128 और n माइनस 1 आ गया, एन माइनस वन आ गया। देखिए ये एन प्लस वन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 126 से 27, तो एन इक्वल टू 127 आएगा, 127 देख लीजिए कहाँ है, तो यहाँ डी ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। आप लोग देखिए आपका कितना सही, और आप लोग भी बनाइए। देखिए ये इसलिए है कि आप लोग बना सकें, ये नहीं कि मैं सिखाऊं। देखिए ये तो चैप्टर पढ़ चुके, ये देखिए आप इसको हल कर पा रहे हैं अपने से, अगर हल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही आप करते रहिए, अपना देखिए कि कितने में से कितना सही हुआ। अभी मैंने 29 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करवाए हैं लगभग, देखिए इसमें आपका कितना सही होता है, कितना सही होता है, आपका 26-27 सही होता है, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी आपका अब बहुत कम हो रहा है, 15-20 हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ में आपको सम के करीब रखना चाहिए, जितना है ज़्यादा की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 100% करना ही जरूरी है, कभी मैथ ही सही रहता है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग मिलाते रहिए अपना, और अपने से ट्राई भी करते रहिए, नहीं समझ में तब देखिए। देखिए निम्नलिखित में कौन रूट बाई 3/2 के बराबर है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला है, रूट 3/2 के बराबर कौन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करना होगा आपको कि कौन रूट बाई 3 के बराबर है। देखिए आपको याद होगा साइन के बारे में, साइन का कितना होता है, साइन ना साइन 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree। देखिए 0 का तो हो जाता है 0, 30 का हो जाता है 1/2, और 45 का होता है 1/√2, है ना। तो बचा 60, देखिए साइन 60 का मान होता है, आप लोगों को याद होगा साइन 60 बराबर होता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 60 का मान है, तो साइन 60 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है टैन थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। टैन इक्वल टू, देखिए एकदम सिंपल है, टैन थीटा दिया हुआ, टैन थीटा वन, तो थीटा का मान देखिए, टैन थीटा का मान कब होगा, जब वन कब आता है टैन थीटा का, जब थीटा 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 45 देख लीजिए, 45 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने 30 सवाल करवा लिया, आप लोग जल्द से थोड़ा सा ब्रेक व्रेक लेना चाहते तो ब्रेक ले लीजिए, ठीक ना।